आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल, काफ़ी सारी चीज़ें। जैसा कि हमें बताया जाता है कि नेपाल के अंदर थोड़ा सा हम लो कैटेगरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी कैटेगरी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, और सबसे बड़ी बात सभी तरह की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इन्होंने पूरा अपना हीटर सिस्टम है, गीज़र सिस्टम है, वो पूरा सोलर पे डाला हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के अंदर नेपाल जो है सबसे आगे है, और बहुत ही सारी चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छा मौसम है। रोड्स के ऊपर भी आप देख सकते हैं व्हीकल ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आपको पुरानी जो हमारी मारुति 800 आया करती थी, वो भी टैक्सी में यूज़ करते हुए मिल जाएंगे काफ़ी लोग। यहाँ पर टैक्सी गाड़ियाँ जो होती हैं बड़ी महंगी होती हैं। रीज़न है कि यहाँ पर जो करेंसी है उसका टर्न जो कहते हैं हम लोग, एक्सचेंज जो कहते हैं, वो भी थोड़ा सा महंगा है, इस वजह से। बहुत ही सुंदर, बहुत ही छोटा और बहुत ही लेस पॉपुलेटेड एरिया, वन ऑफ द लेस पॉपुलेटेड एरिया रहता है। शानदार स्टेडियम बना के रखा हुआ है अपने खिलाड़ियों के लिए, और मतलब कि सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। बहुत ही अच्छा देखिए, विकास सब चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, सुंदर हैं, साफ है, सफाई है। गोल्फ एकेडमी इवन, मतलब कि हम ये कह सकते हैं डेवलप करके जो चीज़ है उसमें गोल्फ खेलने वाले संख्या बहुत ज़्यादा होता है, और इसी वजह से आएंगे तो स्टेडियम के फिर से घूम के आते हैं। सामने हमें पहाड़ों के ऊपर पूरा श्रृंखला देखने को मिलती है, पूरी पहाड़ जो है वो सब के सब बर्फ से ढके हुए हैं। वहाँ ऊपर अगर आप देखेंगे तो बादल भी आ गए पहाड़ के ऊपर, और ये है क्रिकेट ग्राउंड पोखरा का। आज यहाँ पर पोखरा में गर्ल्स का मैच चल रहा है, लेडीज़ मैच चल रहा है, और यहाँ टीम नेशनल गेम इनका बहुत ही सुंदर तरीके से किया आयोजित किया जा रहा है। सभी तरह की फैसिलिटीज़ इनके पास अवेलेबल है, ग्राउंड भी तैयार करने के लिए इनके पास पूरे इक्विप्ड है। सामने अगर हम बात करें तो बच्चे नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। क्रिकेट ग्राउंड जो हमारे एथलीट्स के लिए रहेगा, क्रिकेटर्स के लिए रहेगा, वो तैयार हो रहा है कल के मैच के लिए, और बहुत ही तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है जिससे उनको बॉलिंग स्पीड, बैटिंग स्पीड में उनको लाभ मिल सके।